हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोग के लिए जो हमारी एक्सेल की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को काउंट इफ के फंक्शन और फॉर्मूले के बारे में डील कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो काउंट इफ कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है और क्यों हमें जरूरत है, तो हमें उसके ऊपर डील करना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो काउंट इफ का जो फॉर्मूला है गाइज, वहां पे हमें रेलेवेंट होता है जब हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटाबेस है और उस डाटाबेस के अंदर हमारे पास क्या है, एक आइटम बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें ये पता लगाना होता है कि वो आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हम काउंट इफ की हेल्प से उसी आइटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काउंट इफ जब आप एक कंडीशन के बिहाफ पे अपने पूरे डाटाबेस में से किसी आइटम को ढूंढना चाहते हैं कि वो कितनी बार है, तो वो काउंट इफ बताएगा। ठीक है, जनरली काउंट इफ का और काउंट इफ्स का यूज हम लोग वी लुकअप या लुकअप फॉर्मूले के साथ यूज करते हैं कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो काउंट इफ चलिए देख लेते हैं फटाफट से। जैसा कि आपके पास यहाँ पे दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, मैन जींस है, लेडीज जींस है। मेरे को ये पता लगाना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है सी कैटेगरी, इसके अंदर मैन जींस कितनी बार आ रहा है। तो अभी एक मैन जींस कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे मैं काउंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मैं काउंट ए भी नहीं लगा सकता, मैं ब्लैंक काउंट ब्लैंक भी नहीं लगा सकता, मेरे को लगाना पड़ेगा काउंट इफ। तो काउंट इफ मैं कैसे लगाऊंगा दोस्तों, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है, टैब दबाएंगे और आपको बोल रहा रेंज। रेंज मेरा क्या है, जिसमें से मेरे को ढूंढना है, जिस डाटा में से मेरे को ढूंढना है वो पूरा मेरा डाटा रेंज होगा। तो मेरे को C6 से लेके C35 तक सेलेक्ट करना है, फिर मैं लगाऊंगा कोमा। अब मेरे को बोल रहा क्राइटेरिया, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्राइटेरिया है मैन जींस, तो इसको दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो मेरे पास कितना आंसर आया, 4। मतलब इस पूरे डाटाबेस के अंदर मैन जींस 4 बार है। ठीक है, 4 बार है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करूँ, तो मेरे लिए देखिए रेंज तो फिक्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं लेडीज को भी ढूंढूंगा, लेडीज जींस, तो वो भी इसी डाटा के अंदर ढूंढूंगा, तो मेरा ये रेंज तो पूरा C6 से लेके C35 तक ही रहेगा, तो इसलिए मैंने इस रेंज को कर दिया फिक्स। अगर फिक्स नहीं करते तो आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि रेंज शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला गलत आंसर देगा, तो इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया। और वापिस हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा 7 बार लेडीज जींस है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट इफ के फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इसको अगर आपको वैलिडेट करना तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आइए, अपने रेंज को फिल्टर लगाइए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपका फिल्टर भी लग गया, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे मैन जींस को सिलेक्ट कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 बार है ना, इसके बाद लेडीज इसको सेलेक्ट कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वेरीफाई भी कर लिया कि आपका फॉर्मूला सही लग रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, हो सकता है कभी कभी आपका फॉर्मूला गलत भी लग जाता है। तो आई होप आपको काउंट इफ का फंक्शन और फॉर्मूला समझ में आया होगा कि काउंट इफ कैसे वर्क करता है। ठीक है, काउंट इफ में कुछ भी नहीं, आपको काउंट इफ दबाना है और रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में से आपको डाटा को ढूंढना है, फिर आपका क्राइटेरिया डालना है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, वो आपने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट इफ के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे आने वाले वक्त के अंदर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इन फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से, ठीक है, अब इस वीडियो को करते हैं एंड, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, जिसके अंदर हम एक और काउंट के फंक्शन को डील करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम एक और काउंट के फंक्शन को डील करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।